अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि नाप की कमीज़ से कमीज़ की कटिंग करना बताएं। इसके लिए मैंने ये बिल्कुल लाइट कलर में प्लेन फैब्रिक लिया है ताकि आपको अच्छे से कटिंग नज़र आए। कपड़े की चौड़ाई 44 इंच है और लंबाई 2.5 गज़ है। सबसे पहले कपड़े को हम लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 2.5 गज़ कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमने कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है, जिसके लिए हम अपनी नाप की कमीज़ लेंगे। नाप की कमीज़ को आपने फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है, जितना भी आपने टाइम स्पेंड करना है वो आपने इसको बराबर से मिलाकर प्रेस करने में लगाना है। अब हम कमीज़ की दामन से चौड़ाई देखेंगे, 11.5 इंच है, या हिप साइड से देख लें, ये भी 11.5 इंच है। 1 इंच फोल्डिंग का रखते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। तो जितनी भी यहाँ से आपको चौड़ाई नज़र आए उसमें 1 इंच मिलाकर कपड़े को फोल्ड कर लें। तो ये देखिए, मैं कपड़े को अब चौड़ाई में फ़ोल्ड कर रही हूँ। इससे आपका साइड पे कपड़ा बच जाएगा, वरना आप पूरा कपड़ा फ़ोल्ड करके कमीज़ रख के भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 12.5 इंच पर फोल्ड कर लिया है, ये चेक कर लें। अब हम अपनी नापी कमीज़ ऊपर अच्छे से रखेंगे, फोल्डिंग वाली साइड को बराबर अच्छे से मिलाकर, ऊपर थोड़ा सा कपड़ा फालतू रखते हुए और नीचे भी कपड़ा थोड़ा सा रखते हुए हम कमीज़ को बिछाएंगे। आर्म होल पर आपने अच्छे से पिन्स लगा लेनी है। ये जो आर्म होल की गोलाई है, इसकी सिलाई के बिल्कुल साथ साथ आपने पिन्स लगानी है। अब कमीज़ की लंबाई यहाँ पर थोड़ी सी लंबी है, मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी, मुझे इतनी लंबी कमीज़ नहीं चाहिए। तो लंबाई के लिए दामन से हम 1 इंच फालतू रखते हुए कटिंग करेंगे, साइड पर हमने 1 इंच फालतू रखकर कटिंग करनी है। हमने 1 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था फोल्ड करते हुए। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से कमीज़ अपनी जगह पर रखी हुई है। अच्छे से मिलाकर रखनी है पहले, और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करते जाएं, कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आर्म होल पर हमने पिन्स लगाई हुई हैं, इस तरह से इसको फोल्ड करें। ये देखिए, पिन्स लगी हुई हैं। सिंपल इस सिलाई के 1/2 इंच के मार्जिन पर आपने कटिंग करनी है। 1/2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होता है आर्म होल में, तो यहाँ पर आपने 1/2 इंच का मार्जिन देना है जो सिलाई में दब जाएगा। मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए, सिलाई के बिल्कुल साथ साथ 1/2 इंच के मार्जिन पर कटिंग करते जाएं। तो ये देखिए, बिल्कुल आसानी से कटिंग हो गई है। नेक की अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, नेक हम हर शर्ट में डिफरेंट रखते हैं। तो शोल्डर से ऊपर 1/2 इंच पर कटिंग कर लें। ये देखिए, तो ऊपर हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर ली है। पिन्स हम रिमूव कर लेंगे। तो बहुत आसानी से कमीज़ की कटिंग हो गई है। कमीज़ हम रिमूव कर लेंगे और बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम साइड की सिलाई लगाएंगे। फोल्डिंग भी नीचे हमने 1 इंच की करनी है, और आर्म होल के लिए हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है जो कि सिलाई में दबता ही है। अब हम बैक का पार्ट निकाल लेंगे, क्योंकि फ्रंट की थोड़ी सी आर्म होल की कटिंग मज़ीद होती है। दोबारा से इसको फ़ोल्ड करके रखेंगे और थोड़ी सी गहरी मार्किंग, कोई नापने की ज़रूरत नहीं है, मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी आप गहरी मार्किंग कर लिया करें साइज़ के लिहाज से। बच्चों में बिल्कुल थोड़ी सी होती है, ज़रूरत भी नहीं होती कई बार। बड़ों में आर्म होल फ्रंट का ज़रा गहरा होता है। तो ये देखिए, हल्का सा निशान लगाकर कटिंग कर लें इस तरह से। तो ये देखिए, बिल्कुल आसानी से कमीज़ की कटिंग हो गई है। अब हम बाज़ू की कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। बाकी जो कपड़ा बचा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे लंबाई में इस तरह से, और कटिंग वाली साइड में ऊपर रखूँगी ताकि हमें मैक्सिमम कपड़ा नज़र आए। कई बार हमें जॉइंट भी लगाना पड़ता है चौड़ाई के लिए। अब हम कमीज़ रखेंगे फोल्डिंग वाली साइड, फोल्डिंग से मिलाकर, और ये कमीज़ की बैक साइड है, ये आप हमेशा याद रखें। फ्रंट साइड से कभी भी कटिंग नहीं करनी। ये बैक आर्म होल हमारे सामने है, आर्म होल पर हम अच्छे से पिन्स लगा लेंगे, और अब नीचे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए और साइड पर भी 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और आर्म होल पर आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि आर्म जब हम सिलाई करते हैं तो 1/2 इंच ही सिलाई में दबता है। तो ये देखिए, सिंपली इसको हम इस तरह पलटेंगे। पिन्स हमने पहले लगा ली अच्छे से,
तो इस सिलाई के साथ साथ आधे इंच के गैप पर कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए इतनी आसानी से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम पिन्स रिमूव कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना बाकी है। इसके लिए सबसे पहले सेंटर में कट लगा लें और स्लीव को ओपन करें। एक बात का ध्यान रखना है, या तो आपकी दोनों सीधी साइड्स आपस में मिली होनी चाहिए या कपड़े की उल्टी साइड्स आपस में मिली होनी चाहिए, तब आप फ्रंट आर्म होल की कटिंग इस तरह करें। तो सेंटर से आगे थोड़ी सी गहरी मार्किंग कर लें और यहाँ पे कटिंग कर लें इस तरह से, और निशान लाजमी लगा लिया करें फ्रंट आर्म होल्स की साइड पर। इससे स्टिचिंग करते हुए आसानी रहती है। तो बस सिंपल तरीके से हमारी कमीज़ की कटिंग हो गई है, स्लीव्स भी हमने काट लिए हैं नाप की कमीज़ रखते हुए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए स्पेशली। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।